हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेघा, मेघा, जागी है इसने बेटा? ए बेटा, एक है, ये देख, पेन और स्केच पेन लाया हूँ मैं तेरे लिए। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा कपाट ऑर्डर किया है, जिसमें तुम अपनी सारी किताबें रखना और रोज पढ़ाई करना। कोई जरूरत नहीं है इस सब की। ना काम में ध्यान है, ना पढ़ाई में ध्यान है। दिन भर बिस्तर पे बैठी रहती है। स्कूल से तो कंप्लेंट आ ही रही है, कल को मोहल्ले से भी आएगी। पद्मा, अगर लाना है तुम, उसे थोड़ा टाइम दो। बेटा, स्कूल जाना है ना, तो चलो उठो उठो उठो। ताई ताई, मेघा, दारू पी है क्या इसने? नहीं, कुछ नहीं हुआ है इसे। क्या है, थोड़ी वीकनेस होगी, कुछ खा लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। निखिल, स्कूल जाओ बेटा, और हाँ, रास्ते में कुछ खा लेना। हाँ, जाओ बेटा, जाओ स्कूल जाओ। मेघा, ए मेघा, तू मेघा ही है ना? बहुत दिनों से चेंज लग रही है मुझे, बॉडी से इधर है, माइंड से मार्च पे। बोलना। पता नहीं प्रशांत, बहुत दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है। बहुत नींद आती है, कुछ याद नहीं रहता, शाम तक भूल जाती हूँ। हाँ तो इसमें क्या हुआ, मैं भी अपने पुराने दोस्तों के नाम भूल जाता हूँ। मैं अपना नाम भूल गई थी प्रशांत। सर, इधर आप मदद। सर, लगभग 6 महीने का फिटनेस लग रहा है। सबसे पहले किसने देखा? सर, मैं यहाँ रोज प्लास्टिक के बोतल उठाने आता हूँ। आज जब मैं यहाँ आया तो देखा कुछ कुत्ते इसको नोच रहे थे। मैंने कुत्तों को भगाया तो देखा ये था सर। लीगली 4 महीने तक अबॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फीटस 6 महीने का है फिर ये मर्डर केस है। सारे मैटरनिटी होम्स और गायनेकोलॉजिस्ट से पूछताछ करो। देखो, हाल फिलहाल कोई अबॉर्शन हुआ है क्या, और जो रजिस्टर नहीं हुआ है उसको भी ढूंढो, क्योंकि ऐसे क्राइम्स अक्सर दर्ज नहीं किए जाते हैं, लेकिन ऐसे मर्डर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगो। यस सर। काव्या को देखा क्या? नहीं, अभी यहाँ पे खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए। आपने क्या काव्या को देखा है क्या आपने? नहीं बेटा, काव्या कहाँ पे है? तुम्हारे साथ खेल रही थी ना? हाँ हाँ आंटी, वो अपना बॉल लेने गई है गेट के पास। कितनी बार बोला है कि गेट के बाहर नहीं जाना है। बेटा चलो आओ अंदर। काव्या,
ये पानी पियो। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? जूही। जूही बेटा कितना पढ़ी हो तुम? चौथी तक, इसीलिए तो बाइक का काम करती हूँ यही आगे वाले ब्लॉक में। जूही मेरे यहाँ काम करोगी? मेरी काव्या का ध्यान रखोगी क्या? लेकिन दीदी ऐसे आपके यहाँ काम। अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मेरी काम वाली पिछले 20 दिन से छुट्टी पर है, अब उसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ 20 दिन से। देखो तुम सोच लो, रहना खाना पीना सब मिलेगा और हाँ अच्छी पगार भी मिलेगी। हाँ ठीक है। सर फीटस का पीएम रिपोर्ट आ गया। फीटस 6 महीने का था सर, और सबसे बड़ी बात की लड़की है। सर हॉस्पिटल चेक किए कोई इलीगल अबॉर्शन? सर फिलहाल सब चेक कर लिया। हाँ सर मैंने मेडिकल स्टोर में भी बात की, उनके पास भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिलीवरी कराने वाली दाई माँ भी होती है, जरा पता करो। यस सर। मैं आसपास के हॉस्टल और पीजीस में पता करता हूँ, अक्सर इस तरह के इलीगल एबॉर्शन अनमेरिड कपल्स में ही होते हैं। बेटा बेटा सच सच बता, तू ड्रग्स तो नहीं ले रही है ना? तू दिन भर ऐसे पड़ी रहती है। बाबा ताई ड्रग्स नहीं ले सकती है, मैं जानता हूँ ताई को। निखिल मेरी जेब से पैसे चोरी हो रहे, फिर वो किसने लिए? मैंने लिए। अरे शर्म नहीं आ रही तुझे पैसे चुराते हुए? देखो निखिल मैं जानता हूँ तुमने मेरे पैसे नहीं चुराए, फिर झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है कि ताई ड्रग्स नहीं ले सकती है, ना ही उन्होंने आपके जेब से पैसे चुराए, विश्वास करो मेरा बाबा, शपथ। अरे वो सब जाने दो, आप इसे अपनी बहन के आश्रम में लेके जाओ और वहां से चेक करा के लाओ। ठीक है। कौन है तू और अंदर कैसे आई? चोरी करने आई थी ना? बता बता कौन है तू? छोड़ो इसको, ये जूही है हमारी नई मेड। नई मेड? ऐसे कैसे रख सकती हो तू? ना कोई आईडी, ना कोई प्रूफ, ना कोई रेफरेंस। राहुल मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो, दिस इज डेंजरस, ये कोई भी हो सकती है, खूनी, चोर, किडनैपर। राहुल चल इधर। राहुल तुमको कौन से एंगल से क्रिमिनल नजर आ रही है? हा देखो इसे, निशा क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? दीदी बहुत बुरा सब प्रतीक, ये रोज का हो गया इसका, रोज इसकी चीखे सुने या आराम करे ये तो यहीं पर ही रहेगी, हमें कल काम पे जाना है। निशा इसके मुंह पे टेप लगाओ। ये क्या कह रही हो तुम? अरे छोटी बच्ची है ये, कोई जानवर थोड़े ना है। लेकिन हम तो इंसान हैं और मुझे नींद आ रही है। अरे राहुल, दीदी टेप रही, दीदी दीदी कुछ नहीं होगा, कुछ टेप रही पे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूं मैं? अरे राहुल तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। सुन रोज इसको लगा के सोने का, डिस्टर्ब नहीं करने का, निकल आए तो खबरदार, समझे? क्या कर रहे तुम? चलो तुम। अरे ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, शांति ओम। याद रखिए आप स्वयं के अपने मित्र हो सकते हैं और शत्रु भी। निर्णय आपका है, आप क्या स्वीकारते हैं। जीवन में सकारात्मक सोच बहुत ही जरूरी है, ये सोच आप सभी को अपने रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा। ओम शांति ओम।
प्लीज मुझे कैंडी दे दो, मेरी मेरी हालत खराब हो रही है, प्लीज मैं सो नहीं पा रही हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं लेके आई हूँ, प्लीज ये रो। गुरुजी, ये मेरा भाई सदाशिव है और वो उसकी बेटी मेघा। गुरुजी, इनको भी आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेघा को भी और लड़कियों की तरह ड्रग्स लेने की आदत है। मेरी मदद करो गुरुजी, बहुत आशा लेके आया हूँ आपके पास। हर रोग का निदान दवाइयाँ नहीं होती, समय भी होता है। इसे यही रहना होगा जैसे बाकी लड़कियां रहती हैं। लेकिन ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम तो केवल राह दिखा सकते हैं। इसे चलना है, दौड़ना है, गिरना है, ये तो यही निश्चित करेगी। सर, यहाँ पास में ही एक आश्रम है, लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुरा है। और सर, सबसे बड़ी बात कि फीटस हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिला था। आश्रम में पूछताछ करो और देखो, सीधा सवाल मत पूछना, अगर उनकी भावनाएं आहत हो गई तो मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगी। जानता हूँ आश्रम है, लेकिन रहते तो इंसान ही है ना। सर, संस्कार वर्ग का आश्रम है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कब कहा कि यहाँ ऐसा कुछ होता है? पिछले कुछ दिनों में कोई लड़की वगैरह प्रेग्नेंट थी यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैन, जैन, क्या चलता है यहाँ पे? सर, ये ड्रग एडिक्ट रिहैब सेंटर है, जहाँ मेडिटेशन, पंचकर्म, योगा, ऐसी चीजें चलती है। लड़की वगैरह प्रेग्नेंट थी यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ ऐसा कोई इल्लीगल काम नहीं होता। हाँ सर, हम हर हफ्ते यहाँ पे विजिट करते हैं, एक्चुअली आज भी हम विजिट के लिए आए हैं। ठीक है। जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार इस किडनैपिंग के पीछे किसी बिंदिया गैंग का हाथ है। ये औरत आपके घर किसी बहाने से आ जाती है, आपका विश्वास जीत लेती है और फिर आपके बच्चे को लेके भाग जाती है। हम नागरिकों से आह्वान करते हैं, कृपया सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर अभी ये नाश्ता करने कोई नहीं आया ना, तो ये नाश्ता ना मैं ही खा जाऊंगी। 1, 2, 3 ये, जल्दी 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 जल्दी। रात में कोई आया था? नहीं तो दरवाजा कैसे खुला है? मेघा, 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 उठो उठो मेघा, कौन आया था यहाँ? कौन आया था यहाँ? मेघा, बेटा उठो, ये क्या हो गया? मेघा उठो, मेघा बता, कौन आया था? अरे कौन आया था बता? आई क्या कर रही है? उसकी हालत देख,
वो बोल भी नहीं पा रही है ऐसी हालत में वो। क्या बताएगी, ये सब खत्म कर दिया इसने। संभालो। जूही। हाँ दीदी। जूही मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम याद से काव्या को टाइम से स्कूल से लेकर आना, ठीक है? और कुछ भी रहेगा ना मुझे कॉल कर लेना। हाँ। चलिए बाय। क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी? मैं वॉशरूम में थी। इससे पहले कहाँ रहती थी? रायगढ़ में। कहाँ? इंदापुर। पूरा एड्रेस मुझे शाम को चाहिए। ये सब चल रहा है यहाँ पर? मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी। जा रही हूँ, मैं सबको बता दूंगी। कौन आता है यहाँ रात में? छोड़ूंगा नहीं उसे। मेघा, मेघा, निखिल, मेघा कहाँ पर है? मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था ना। अरे क्या हुआ? अरे मेघा नहीं है उसके कमरे में। ताई, मेरे भगवान। तुम शांत हो जाओ। तुम यहाँ हो। तुम यहाँ बैठो। ताई घर में नहीं है। आई संभाल के। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भाग गई है वो। अगर लोगों को पता चल गया ना तो बहुत बदनामी होगी हमारी। अरे पद्मा बेटी है वो तुम्हारी। इसीलिए कह रही हूँ, अगर खुद से वापस आएगी तो हमारी इज्जत भी वापस आ जाएगी। निशा। हुँ? तुमने मेरा लैपटॉप यूज किया था? नहीं, क्यों? किसी ने मेरी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी है। राहुल तुम्हारा ही तो लैपटॉप है, तुमने ही किया होगा, भूल गए होंगे। निशा मैं कभी भी अपने ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट नहीं करता, कहीं जूही ने तो। अरे तुम हर बात में उसको बीच में क्यों लेकर आते हो? चौथी पढ़ी है वो और लैपटॉप तो यूज करना जानती भी नहीं है। क्योंकि मुझे अभी भी उस पर शक है। तुम यार निकाल दो उसे। ठीक है निकाल देती हूँ, तो तुम एक काम करो, अपने ऑफिस से ना छुट्टियाँ ले लो और काव्या का ध्यान रखो, क्योंकि अब मैं तो ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं लेने वाली हूँ। निशा कुछ गड़बड़ तो है इस जूही में। सर जहां में वो फीटस मिला था उसके आसपास कोई भी फोन एक्टिव नहीं था। शेर के कोई ना कोई तो वहां फेंक के गया होगा ना। और ये फीटस 6 महीने का है, मतलब ये मर्डर है। और अभी तक किसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन को उसकी भनक नहीं लगी है। पता लग गया ना हंगामा हो जाएगा।
और मुझे लगता है कि ये एक अकेली घटना नहीं है, ये किसी बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा है। दाइमा का क्या हुआ? सर मैंने लोगों से पूछताछ की, यहाँ के बहुत सारे लोगों को पता नहीं दाइमा क्या होती है। अरे पता नहीं है तो बताओ, अगर फीटस मिला है तो उसकी आइडेंटिटी भी होगी, कैसे भी करके ढूंढो। सर एक लड़की की लाश मिली है उसी एरिया में जहाँ फीटस मिला था। सर हमें जो फीटस मिला था और ये बॉडी, दोनों 2 किलोमीटर के रेडियस में है, और जंगल का ये पॉइंट भी लास्ट पॉइंट है। मुझे लगता है कि जो भी हुआ इस 2 किलोमीटर के रेडियस में हुआ है। तो क्या सर इन दोनों केसेस का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? अभी कुछ कह नहीं सकते। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक को भी इन्फॉर्म कर लो। ये चोट कैसी लगी किशोर? पता नहीं गुरुजी। गुरुजी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये अपना किशोर है ना, ये इन लोगों को जबरदस्ती दवाइयां देता है, इसीलिए किसी ने उस पर अटैक किया। पता करो कौन था, अगर मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आना, मेरे पर्सनल केबिन में, मैं उससे खुद बात करूंगा। सर आसपास के एरिया में सभी जगह चेक किया, कहीं भी किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। सर लोकल पुलिस स्टेशन में भी उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है वो लड़की और फीटस दोनों भी बाहर से हो। अगर फीटस और लड़की दोनों बाहर से थे उनको एक ही एरिया में छोड़ के क्यों गया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आश्रम में हमने इंक्वायरी की थी हो सकता है कि लड़की वहाँ से हो सकता, जरा जाकर देखो। ठीक है सर। सर मेरी बहन गायब हो गई, प्लीज उसे ढूंढ लो। बेटा शांत हो, क्या हुआ? फोटो लाओ बहन की। हाँ सर लेके आया हूँ। सर ये तो वही लड़की है। मेरे बच्चे आपकी बेटी का मर्डर हुआ है, किसी पे शक है आपको? जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो किसी पर क्या उंगली उठाएंगे सर? मतलब सर हमारी मेघा ड्रग्स लेती थी, कुछ दिनों से वो बहुत अजीब हो गई थी, अकेली बैठती थी, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन सर ताई हमेशा कहती थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती है, ताई को ये सब नहीं पसंद था सर, वो ड्रग्स कैसे ले सकती है सर? सर हम उसे चिन्मय गुरुजी के आश्रम में भी लेके गए थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। अजीब लोग हैं सर, खुद के बयान पे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, पहले बोलते हैं लड़की ड्रग्स ले रही थी, फिर बोलते हैं लड़की ड्रग्स नहीं ले रही थी, क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, अगर वो ड्रग्स करती थी तो कोई ना कोई उसे सप्लाई करता होगा, अपने खबरियों को एक्टिव करके पता लगाओ कि उसे अगर कोई ड्रग्स बेच रहा था तो कौन बेच रहा था। बेटा आप लोग मेघा के बारे में कुछ जानते हैं? कोई लड़का, कोई बॉयफ्रेंड? हाँ सर, प्रशांत राणे, हमसे सीनियर है, मैंने मेघा को बहुत बार उनके साथ देखा है। कहाँ रहता है प्रशांत राणे? उसके बारे में ज्यादा हमें कुछ मालूम नहीं है सर। ठीक है आप लोग जाइए। थैंक यू। खड़े सर, स्कूल अथॉरिटी से उस प्रशांत राणे का एड्रेस निकलवा। यस सर। मेघा की फैमिली को कब से जानती हो? पद्मा जब शादी करके आई तब से, उसके 2 बच्चे लेकिन उसका पति तो 10 साल पहले ही मर गया। अभी कुछ सालों पहले ही पद्मा ने दूसरी शादी की सदाशिव के साथ। तो क्या सदाशिव पद्मा का दूसरा पति है? हाँ मैडम, पद्मा का नसीब भी खराब है, शादी के 2 महीने बाद ही वो बीमार पड़ गई, तब से पूरा घर सदाशिव भाऊ ही संभाल रहे। तो आप यहाँ पे विपश्यना चलाते हैं? हाँ, पहले ये आश्रम मेरे बाबा चलाते थे और अब मैं, जब मैं न्यूयॉर्क में था तो अपने दोस्त के साथ एक रिहैब सेंटर गया था, तब वहाँ पर देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस आश्रम में भी एक रिहैब सेंटर होना चाहिए। पिछले 5 सालों से हम ये समाज कार्य कर रहे हैं। मेघा को यहाँ लाया गया था? लाया गया था लेकिन उसे रखा नहीं,
क्योंकि उसने कहा वो सोच के बताएगी। अब देखिए, लड़की प्रीति जब यह आई थी एकदम वायलेंट थी, ड्रग्स के बगैर जी नहीं सकती थी, लेकिन आज ड्रग्स को छूती तक नहीं। और एक लड़की है श्रद्धा नाम की। शांति जी, गुरुजी। श्रद्धा कहाँ है? गुरुजी उसके पेट में दर्द था तो अस्पताल लेकर गए हैं। मुझे बताया नहीं? गुरुजी अर्जेंट था ना, इसलिए बता नहीं पाई मैं आपको। ठीक। मेघा को आपने एडमिट क्यों नहीं किया? बहुत गरीब परिवार से थे, उनके पास पैसे तक नहीं थे, और मैंने उनसे कहा कि पैसों की चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। खुददार लोग थे, फ्री में एडमिशन लेने से मना कर दिया, और अब आपने उसकी खबर दी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके शिष्यों में से या पेशेंट्स में से कोई महिला पिछले दिनों प्रेग्नेंट थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई हमारे स्टाफ में से नहीं है। हाँ सर, और ये आश्रम में तो कभी हो ही नहीं सकता। गुरु जी की स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि एक लड़का लड़की दूसरे से बात ना करें। दीदी, दीदी, दीदी जल्दी आओ ना। क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ? दीदी ये देखो, मम्मा ने मेरे लिए न्यू ड्रेस ली है मेरे बर्थडे के लिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। बर्थडे कब है? 2 दिन बाद। हम लोग पार्टी भी करेंगे, मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तुम बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट चाहिए? दीदी, आपको पता है वो डॉल जो हमने मार्केट में देखी थी उस दिन? हाँ। मुझे आप वो गिफ्ट में दे दो। लेकिन वो तो बहुत महंगी है, और बेटा उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। नहीं दीदी, मुझे वही वाली डॉल चाहिए। मुझे वो डॉल दे दो, वरना मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं चाहिए। अरे बाय, मैं स्कूल जा रही। अरे काव्या सर, मेरी प्रशांत की माँ से बात हुई है। उनका कहना है कि प्रशांत कई दिनों से घर नहीं आया, लेकिन फोन रेगुलर करता रहता है और हालचाल बता के फोन रख देता है। ये प्रशांत छुप क्यों रहा है? या तो इसी ने मेघा को मारा है, या फिर ये कुछ जानता है। अगर हमें मेघा की असली कहानी जाननी है तो प्रशांत मिलना बहुत जरूरी है। उसका नंबर सर्विलेंस पे डाला? यस सर, जैसे ही फोन ऑन करता है पकड़ लेंगे। लेकिन सर, मेघा अगर आश्रम में रही नहीं तो हमें पूछताछ क्यों करनी है? मेघा आश्रम में नहीं रही थी, लेकिन आश्रम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जब उस एडमिट हुई लड़की श्रद्धा का टॉपिक निकला तो मुझे उस औरत पे शक हुआ। तुम जरा हॉस्पिटल में जाके उस लड़की से बात करो। जी सर। सर, प्रशांत ने अपना फोन ऑन कर लिया है, वो स्क्वाटर कॉलोनी में छुपा हुआ है। चल के लेके आऊं। सर, चल बेटा बोल। आई शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? सर वो मेघा के घर से मैंने पैसे चुराए थे। पैसे क्यों चुराता था? नशे के लिए सर, मेरे को ड्रग्स का आदत है सर, इसलिए उसके घर से पैसे चुराता था। तो मेघा को इस बात का पता चल गया, इसलिए मेघा को मार दिया? नहीं मारा सर मेघा को मैंने। तूने पहले खुद ड्रग्स लिया और उसके बाद मेघा को भी ड्रग्स की आदत डाली, समझा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा ड्रग्स लेना तो उसको पसंद ही नहीं था सर। प्रशांत, मुझे तुम्हारे नशा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ए मेघा, कल से पक्का छोड़ देगा बस। कल कभी नहीं आता प्रशांत, जो शुरुआत करनी वो आज से करनी होगी। सर मैं मेघा को कभी ड्रग्स दे ही नहीं सकता सर, लेकिन हाँ कोई तो था जो उसे ड्रग्स दे रहा था सर। पिछले 2-3 महीने से वो बदली बदली लग रही थी सर। पता नहीं प्रशांत, बहुत दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है, बहुत नींद आती है, कुछ याद नहीं रहता, नाम तक भूल जाती हूँ। मेरी मेघा सर कभी ड्रग्स नहीं ले सकती। सर मैंने उस एरिया के सभी ड्रग्स सप्लायर से बात की है। सर इकरार नाम का एक बंदा है जो उस एरिया में ड्रग्स सप्लाई करता है। सर उसका कहना है कि उसने प्रशांत को ड्रग्स सप्लाई किए थे, लेकिन उसने मेघा को कभी ड्रग्स सप्लाई नहीं किए। सर
सर एक इंटरेस्टिंग न्यूज मिली है। जिस दिन मेघा का मर्डर हुआ मेघा आश्रम में ही थी। या? सर मैं जब हॉस्पिटल में श्रद्धा से बात करने गई तब श्रद्धा ने मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि वहां पे आश्रम की आया मौजूद थी। जैसे ही आया इधर उधर हुई श्रद्धा ने मुझे बाथरूम के पास बुला के सब कुछ बताया। सर मैम मुझे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। आश्रम में खाने की दात अलग और दिखाने की दात अलग है। जैसे वहाँ पर ना लड़कियों के साथ गलत काम होता है। शांति देवी को लड़कियाँ पसंद है। मैं किसी को कुछ ना कहूँ इसीलिए उन्होंने वो आया को मेरे साथ भेजा। ये मेघा का फोटो है, इसे ध्यान से देखो और बताओ कि क्या तुमने उस दिन इसी लड़की को देखा था। हाँ मैम, इसे ना मैंने 3 दिन पहले 12 की रात को देखा था। मुझे लगा कि वो आश्रम की कोई ड्रग एडिक्ट लड़की है लेकिन मैम वो कंफर्म मेघा ही थी। मुझे पहले से डाउट था, ये चिन्मय नाटक कर रहा है और आश्रम की आड़ में ये सब कुछ कर रहा है। हमारी किस्मत हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हम अपने मन पे काबू पा सकते हैं तो कोई भी चीज आसानी से कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को इस ड्रग्स के दलदल से बाहर निकलना है तो अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। एकदम सत्य वचन गुरुजी, झांक के देखना तो पड़ेगा, उसी के लिए हम आए। मतलब क्या है आपका इंस्पेक्टर? सर्च वारंट। सारा आश्रम सील करो, सारे कमरे चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लड़कियों को ड्रग्स देके उनका फायदा उठाया करती थी। शांति, ये सब क्या है? ऐसा है कि सिर्फ पेशेंट्स पे नहीं पूरे आश्रम पे नजर होनी चाहिए थी आपकी। आश्रम तो सील होगा, एनसीबी भी पहुंचती होगी। करड़े सर, सबके मोबाइल जब्त कर लो। सर इंस्पेक्टर साहब, अब अपनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन इसके लिए आश्रम को सील करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए है क्योंकि आपके आश्रम में सिर्फ ड्रग्स की नहीं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी। आपके पास वक्त है बता दीजिए। 15 दिन पहले इस आश्रम में ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ये केस सिर्फ मेघा के मर्डर का नहीं है, ये एक अननोन फीटस के मर्डर का भी केस है जो आप ही के एरिया में मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको एक बात नहीं बताई। जूही नाम की लड़की थी जो आश्रम से भाग गई थी, 6 साल पहले मुझे आश्रम के दरवाजे पर मिली थी। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे यहाँ काम पर भी रखा, अच्छी सैलरी भी देता था। एक दिन पता चला वो प्रेग्नेंट है। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा बताओ ये सब क्या है, पर वो कुछ नहीं बोली। एक रोज बिना बताए आश्रम से भाग गए। ये सैलरी आप उसको कैश में देते थे ना? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी। अकाउंट सर मेघा की पीएम रिपोर्ट से क्लियर हो रहा है कि उसका गैंग रेप हुआ है। टाइम ऑफ डेथ 13 तारीख को सुबह 4 बजे के करीब। थंबप्रिंट मिला? हाँ सर, थंबप्रिंट मिला है। उसकी बॉडी में ड्रग ट्रेसेस मिले, इससे क्लियर है कि वो ड्रग एडिक्ट थी। अब यह अलग मामला है। प्रशांत का कहना है कि उसने मेघा को कभी ड्रग्स नहीं दिए लेकिन मेगा ड्रग्स करती थी, और उसके परिवार का मानना है कि मेगा ड्रग्स कर ही नहीं सकती लेकिन उसके ब्लड में ड्रग्स मिले हैं। सर अगर कोई जबरदस्ती उसे ड्रग्स दे भी रहा था तो फिर उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? हो सकता है सर सभी मिले हो।
फिर क्या उस एटीएम का पता क्या बताया था? सर मानिक नगर के पास वाले एटीएम से जूही ने आज सुबह ही पैसे निकाले। ये रही तुम्हारी गिफ्ट। इसमें क्या है? वो डॉल है ना? एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ बाहर है, एक एटीएम के अंदर है, और दोनों तरफ की दुकानों के कैमरा, सबका सुबह का फुटेज फटाफट निकाल लो। यही जुई है सर, नॉर्थ क्रॉस करेंगे तो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। जूही ये तो बहुत महंगी होगी ना? इतनी महंगी गिफ्ट कहाँ से लाई? पैसे पगार तो हुआ नहीं तुम्हारा? अरे छोड़ो, नहीं मेरे पास थे पैसे। राहुल छोड़ो उसे। जी जूही बेटा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? लेकिन सर हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। बताते हैं। अरे अरे लेकिन हुआ क्या है? लेकिन क्या हुआ? अरे अरे क्यों ले जा रहे हो? 6 साल पहले जब मैं भटकती हुई आश्रम के पास पहुंची तो वहां चिन्मय गुरुजी ने मुझे संभाला। आश्रम मुझे घर जैसा लगने लगा था, लेकिन जब मैं 16 साल की हो गई तो पुष्पा मुझे कुछ रूम साफ करने देती थी, लेकिन रूम साफ करने से पहले वो मुझे दूध पीने देती थी। पर एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं गई थी पुष्पा के पास कंप्लेंट करने, लेकिन उसने मुझे वीडियो दिखाई जिसमें कुछ लोग मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। ये बात आश्रम में किसी को पता थी? पता नहीं। तुमने चिन्मय गुरुजी को क्यों नहीं बताया? सोचा था बता दूंगी, लेकिन वहाँ शांति और पुष्पा ने मुझे चोर बना दिया, और चिन्मय गुरुजी ने बिना मेरी बात सुने मुझ पर चिल्लाने लगे, फिर मैं वहाँ से भाग गई। जो वीडियो दिखाकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, उस वीडियो में वो आदमी कौन है? क्या सत्कार करे तेरा? माफ करो साहब, माफ करो साहब, माफ करो साहब, साहब माफ। मेघा भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई होगी ना, फिर भी मार दिया। अरे सगा हो या सौतेला, बाप तो बाप जैसा होना चाहिए ना। साहब पद्मा से शादी करने के बाद 2 महीने में ही उसने बिस्तर पकड़ लिया। मैं क्या करता? मैं मेरी सारी इच्छाएं दबा कर जीने लगा, और जब मैं पुष्पा से मिलने आश्रम गया तब पहली बार मैंने वहां जूही को देखा। क्या? अरे सुन, इस गरीब का भी भला कर दे बहन, इसके साथ कुछ कर देना। अभी ले क्या? अरे चाहिए उतने पैसे दूंगा तुझे। पुष्पा भी मुझे मदद करने के लिए रेडी हो गई थी। मेघा को क्यों मारा? जिस काम के लिए उसके माँ से शादी की थी वो तो 2 महीने में ही बीमार हो गई, और फिर मैं पुष्पा से ड्रग्स मंगाने लगा, मैं मेघा को देने लगा, जिससे वो रेस्टलेस रहने लगी, बेहोश होने लगी। मेघा को आश्रम में क्यों ले गया था? साहब उसे मैं आश्रम लेके गया ताकि मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिता सकूं। क्या हुआ था आश्रम में? मैंने मेघा को दूध में ड्रग्स मिला कर दी। सर सदाशिव, अनंत और प्रकाश तीनों के डीएनए सैंपल्स मैच हो गए। फिंगरप्रिंट पे सर प्रकाश का नाम है। खून करने के बाद इनको रात को नींद कैसे आती होगी? सर ऐसे लोग चैन से सो नहीं सकते, इनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है। वैसे सर इन सब बुरी खबर के बीच एक अच्छी खबर भी है, जूही को उसके माँ बाप के पास भेज दिया गया। काफी साल पहले मुंबई में उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किडनैप किया गया था। तो चिन्मय तो खुश होगा ना, सारे चार्जेस हट गए और आश्रम फिर से शुरू हो गया। हाँ सर, कह रहा था कि पूरा नया स्टाफ हायर करेगा। गाड़ी चलाते वक्त कहते ना, नजर हटी दुर्घटना घटी,
बस उसी को लाइफ में भी अप्लाई करना है, तभी सारा देश इस गंदी सोच से आगे बढ़ पाएगा। चलो चाय पीते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.